हाय फ्रेंड्स, तो मैं हूं प्रियंका और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज आप लोग सोच तो रहे होंगे कि मैं ड्राइविंग सीट पे क्या कर रही हूं, है ना। तो यार सही बताओ, मैं बहुत दिन बाद बैठी हूं, काफी टाइम हो गया। और मतलब देहरादून तो जब से आए हैं मैं फर्स्ट टाइम बैठ रही हूं। दिल्ली गुड़गांव में चलाती थी और चला लेती हूँ मतलब अच्छे से, पर बहुत ज्यादा परफेक्शन नहीं है अभी। आज हम जहाँ जा रहे हैं ना, मतलब इतनी प्यारी जगह है, बिल्कुल स्वर्ग। बहुत ही अच्छी जगह है। और वैसे तो ये एक सीक्रेट था, लेकिन चलो बता देते हैं, वो मेरा बर्थ प्लेस है। तो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं जरा उस प्यारी से सुंदर सी जगह। तो फ्रेंड्स, मैं तो आप लोगों से भी यही कहूँगी, स्पेशली वुमेंस के लिए, कि अगर आप लोग नहीं जानते हैं ड्राइविंग, तो प्लीज़ यार ट्राई करें, कोशिश करें, सीखें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए ना, खासकर जो वर्किंग वुमेंस हैं। मैंने भी क्योंकि खुद रियलाइज़ किया, 10-12 साल मैंने जॉब की दिल्ली गुड़गांव में, तो मुझे काफ़ी फील हुआ कि नहीं यार, मतलब ड्राइविंग आनी चाहिए, हमें सीखनी चाहिए, कोशिश करें, क्योंकि इससे आप मतलब काफ़ी इंडिपेंडेंट फील करते हैं, है ना। तो चलते हैं, मैं तो कोशिश कर रही हूँ और करती रहूँगी जब तक परफेक्शन ना आ जाए। फ्रेंड्स, ये है यहाँ का घंटाघर, देहरादून का सेंटर, और यहाँ से मसूरी, चकराता, हरिद्वार, ऋषिकेश सब जगह का रूट निकल जाता है। और ये है यहाँ का FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स, अभी हम रास्ते में थोड़ा रुके हैं, और रुक ही गए तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा बातें हो जाएं उस जगह के बारे में जहां हम जा रहे हैं। तो वैसे तो वो मेरी बर्थ प्लेस है, बट मैं आज तक कभी नहीं गई, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। और तब शायद मैं 4 या 5 साल की थी जब वहाँ से हम आ गए थे देहरादून। तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, और बल्कि राजेश जा चुके हैं, मैं नहीं गई वो एक बार पापा के साथ जा चुके हैं वहाँ पे, और उन्होंने ही बल्कि मुझे बताया कि इतनी प्यारी जगह है प्रियंका, इतनी ब्यूटीफुल जगह है कि मतलब क्या मैं बताऊँ। तो इसीलिए मैं भी अब थोड़ा एक्साइटेड थी कि नहीं चलना है, देखना है। और वहाँ पे अब तो कोई नहीं है, कोई रिलेटिव है नहीं वहाँ पर, बट बुआ जी हैं एक हमारी, पापा की मुँह बोली बहन है दूर की, लेकिन सगी नहीं है, बट सगी से भी बढ़कर हैं, बहुत अटैचमेंट है उनसे। और मैं शादी से पहले मिली भी हूँ उनसे 2-4 बार, मतलब वो हमारे घर आई हैं, मिली हूँ। तो आज जा रही हूँ और चलते हैं, मिलते हैं उनसे, जानती हूँ ज़रा अपने बचपन के बारे में, कहाँ पे घर था, खेत थे, बाग बगीचे सब। खूबसूरत तो है ही, लेकिन साफ सुथरी भी है, इसके लिए यहाँ के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब हर जगह अपना फ्रेंड मिल ही जाता है कोई ना कोई। लास्ट वीडियो में आपने देखा उसको बिल्लियां मिल गई थी, और यहाँ देखिए ये डॉगी ये पता नहीं अपने आप ही अचानक कहाँ से आ गया। इसको तो वैसे भी मतलब बस मिल रहा है डॉगी, कैट, इसके तो मजे आ जाते हैं। गए लगते हैं पहले उन जैसे जानता होगा
deep within. Here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I friends? अब हम आ चुके हैं अपनी मंजिल के नजदीक और आने वाला है घर बुआ जी का. तो यहाँ देखिए आप कितना प्यारा व्यू है. माय तो बगीचे इतने सारे हैं ना, आम के बगीचे और मतलब ग्रीनरी तो मतलब हद है यार. और यहाँ से स्टार्ट हो चुका है और अब देखते हैं बुआ जी का घर कहाँ पर है. वाओ ये तो भुट्टा है. हाँ ये भुट्टा है, मक्की कॉर्न कॉर्न बोलते हैं ना हम लोग. तो फ्रेंड्स अब बुआ जी के साथ थोड़ा बैठते हैं और कुछ खा पी लिया जाए और थोड़ा रेस्ट लेके फिर देखते हैं कि बुआ जी के साथ हम कहाँ जा सकते हैं. तो फ्रेंड्स अब हम आप लोगों को भी और ओम को भी आम का बगीचा दिखाने ले जा रहे हैं. बहुत ही प्यारी जगह है और देखिए साथ में कौन है, बुआ जी और ऊपर जी. वही हमें बताएंगे कि कहाँ पे कौन सी जगह है. तो यहाँ से कितना दूर है बुआ जी? क्या वो बगीचा? बगीचा आ गया बस. आ गया ये है ना बगीचा? ये वाला ये कौन सा अच्छा लंगड़ा है? फ्रेंड्स थोड़ा और आगे चलते हैं. उपा जी ने बताया कि आगे बहुत प्यारा व्यू है और एक नदी भी है. वो घूमने के ऊपर पहाड़ बढ़ गया ये. सामने पहाड़ी पे भद्राज नाम से एक शिव मंदिर भी है जो कि काफ़ी फेमस है. इस तरफ से हम ट्रैकिंग करके जा सकते हैं. हाँ लेकिन बाय रोड मसूरी की तरफ से जाया जा सकता है. सो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ना तब से मेरे साथ इस जगह को, इतनी प्यारी स्वीट जगह यार कि मतलब यहाँ से ना आज मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं है और शायद मैं आज यहीं रुकने वाली हूँ बुआ जी के यहाँ. और अब देखो बुआ जी कहाँ से पानी भर रही हैं यार. अभी बाकी है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. डीप विद इन हियर वी गो,
but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just